कैंपियरगंज व स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने टप्पेबाजी व धोखाधड़ी करने वाले 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 6 व्यक्तियों को ग्राम राजपुर यूएस एकेडमी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान रामायण सिंह कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय प्रभुनाथ सिंह निवासी पकहा टोला नौगावा थाना बघौजगाड़ जनपद देवरिया, दूसरा लाल बिहारी यादव उर्फ सरदार पुत्र बांसदेव निवासी लक्ष्मी नगर थाना सुनौली जनपद महाराजगंज, तीसरा राकेश चौधरी पुत्र स्वर्गीय सीताराम चौधरी निवासी ग्राम सहसराव थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर, चौथा शाहबुद्दीन पुत्र असगर अली निवासी सुनौली वार्ड नंबर 11 वाल्मीकि नगर थाना सुनौली जनपद महाराजगंज, पांचवा इखलाक पुत्र मोहम्मद जवाहिर निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर, छठवां खुर्शीद पुत्र स्वर्गीय अब्दुल वहीद निवासी जंगल बिहुली बैलोहा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 577,200 रुपये नगद, 241 नकली सोने का सिक्का, घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि कैंपियरगंज क्षेत्र थाने में मरचाही कुटी पर दिनांक 26 मई को अभियुक्तगढ़ द्वारा धोखाधड़ी व ठगी करके आवेदक से 8,00,000 रुपये ले लिया गया, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कैंपियरगंज में मुकदमा पंजीकृत करके तत्काल कार्यवाही करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो कि पीड़ित से एक व्यक्ति रामायण सिंह 3 महीने पूर्व साधु के वेश में छत्तीसगढ़ में मिला था तथा सस्ता सोना दिलाने की बात कहते हुए अपने साथी लाल बिहारी यादव उर्फ सरदार से 2 सोने के सिक्के लिए थे। आवेदक ने छत्तीसगढ़ में ही एक सोनार से जब चेक करवाया तो वह सोने के सिक्के असली निकले। लालचवश पीड़ित द्वारा पुनः सस्ता सोना खरीदने को लेकर अपने साथियों समेत थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में आया, जहां पर धोखाधड़ी एवं ठगी करके अभियुक्तगढ़ उपरोक्त ने आवेदक से 8,00,000 रुपये ले लिया, जिसको देखते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंपियरगंज थाना प्रभारी रंजीत सिंह, स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक राम सिंह, प्रभात सिंह, हेड कांस्टेबल अरुण खरवार, कांस्टेबल दुर्गेश कुमार मिश्रा, कांस्टेबल रवि चौधरी, मुकेश यादव, हरिनाथ, विकास वर्मा, मनीष मौर्य, उत्कर्ष यादव, आशुतोष सिंह, इंद्रजीत यादव, अभय प्रताप सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, मेरी तरफ से 25 तो डीआईजी साहब ने बढ़ा दिया, 50 कर दिया। अच्छा। तो जब बड़े जो प्रिंस सर जो सामने देखिए सब वाले भैया इतनी क्या फोटो देते हैं सिक्के के फोटो क्या
थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में परसों एक घटना घटित हुई, जिसमें कि छत्तीसगढ़ से आए एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके उससे 8 लाख रुपए ले लिए गए। इसमें उस व्यक्ति द्वारा 2 व्यक्तियों और अन्य 4 अभियुक्तों के खिलाफ एक नामजद तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस तत्काल एक्शन में आई और इसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 6 लाख रुपये बरामद किए हैं और करीब 250 के करीब नकली सोने के सिक्के बरामद किए हैं और 3 बाइक बरामद की है जो कि घटना में प्रयुक्त की गई थी। इसमें जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि पीड़ित से एक व्यक्ति साधु के वेश में छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में मिला। यह करीब 3 महीना पहले की घटना है और उससे मिलने के बाद उसे सस्ता सोना दिलाने के नाम पर झांसा दिया और सस्ता सोना दिलाने के बहाने वो यहाँ पर बुलाया गया और जो अभियुक्त है उसने अपने अन्य साथियों से उसकी मुलाकात करवाई। पहले उसे करीब 2 महीना पहले 2 सोने के सिक्के दिए गए 5-5 ग्राम के, जिसे कि उसने जाकर छत्तीसगढ़ में चेक करवाया और चेक करवाने पे वो सोना सही पाया गया। इसी में लालचवश वो व्यक्ति दोबारा परसों यहाँ पर आया 8 लाख रुपए लेकर और सोना खरीदने के लिए और इस पर वहाँ पर जो अभियुक्तगण हैं उन्होंने और उनके साथ 2 अभियुक्तों ने नकली पुलिस बनकर इससे वो पैसे ले लिए और इसको धोखा देकर वो वहाँ से चले गए। जब यह व्यक्ति थाने पर पहुँचा, पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और तत्काल ही हमारी थाना कैंपियरगंज और स्वाट टीम एक्टिव हुई और सर्विलेंस की मदद से हमने 6 अभियुक्तों को 48 घंटे में पकड़ के लगभग 6 लाख रुपये बरामद किए हैं और 6 के 6 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं। इसमें यह पूरा मामला सस्ता सोना खरीदने के चक्कर में हुआ है। इनको बताया गया कि नेपाल से तस्करी का जो सस्ता सोना आता है वो इनको दिया जाएगा और इसी के चलते ये ठगी का शिकार हुए हैं लालच के चलते। अभी तक की पूछताछ में यह एक ही घटना सामने आई है। हालांकि यह गिरोह पूर्व में मुंबई की तरफ भी एक्टिव रहा है, जहां से जानकारी की जा रही है कि इन्होंने और कोई घटना की हो। तो इसमें एक घटना इनके द्वारा बताई गई है जो मुंबई में कारित हुई थी और उसमें लगभग 40 लाख रुपये इसी व्यक्ति से लिया गया था। उसकी पुष्टि हम मुंबई द्वारा किए जा रहे हैं क्योंकि यह व्यक्ति छत्तीसगढ़ का है और ये अभियुक्तगण ऐसी घटनाएं अन्य प्रदेश में लोगों को ले जाकर करते हैं, जिसके चलते वहाँ से जो वादी है वो अपनी शिकायत करता नहीं है, डर के मारे वापस चला जाता है और वहाँ ये नकली पुलिस का भी प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार की घटना इन्होंने गोरखपुर में भी की, जहाँ पर इन्होंने 2 अभियुक्तगणों को नकली पुलिस बनाकर इसके पास भेजा और इसे डरा धमकाकर वापस जाने के लिए बताया गया, परंतु ये व्यक्ति थाने पे आया और पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई पूरे प्रकरण का अनावरण करते हुए हमने ये खुलासा किया है। पूर्व की जो मुंबई में घटना हुई है उस बारे में जानकारी की जा रही है और यदि वो घटना सत्य पाई जाएगी तो उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी।